पिछले तीन दिनों में जितनी चर्चा परिवार को लेकर राजनीति में हुई है उससे ज्यादा चर्चा शायद इससे पहले कभी नहीं हुई है। और यही वजह है कि आज भी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है कि आखिर परिवारवाद राजनीति में किस पार्टी में सबसे ज्यादा है। इन तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए हम बीरचंद पटेल पथ पर खड़े हैं, जहां पर आपको लगभग सभी पार्टियों के दफ्तर मिल जाएंगे, कार्यालय मिल जाएंगे और कह सकते हैं कि हर आरजेडी से लेकर बीजेपी और जेडीयू से लेकर के एनसीपी तक लगभग सभी पार्टियों के दफ्तर हैं। और इस दफ्तर के बीच में जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, चाचा एक मिनट इधर आइएगा जरा, ये बताइए कि बड़ा हल्ला हो रहा है मार्केट में कि परिवारवाद बहुत हावी है, लालू जी का परिवार की तो राजनीति में बहुत आ गया, ये सब क्या लगता है? ठीक लगता है, जो पढ़े लिखेगा जो देश के काम करेगा परिवारवाद रहे चाहे एक परिवार रहे, इससे क्या घटिया नफा, कोई परिवारवाद नहीं है यहाँ, समझ गए? गरीब गुरबा का लालू जी नेता है और रहेंगे, पूरे गरीब गुरबा का नेता है, दलितों का, अति पिछड़ों का, सारे का नेता है उन्होंने। क्या कह रहे हैं, हड़बड़ी में है क्या? नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है। क्या लगा लालू जी का बेटा जो है राजनीति में आया तो कह रहा है कि परिवारवाद आ गया? परिवारवाद कुछ नहीं है, परिवार ये सब कुछ नहीं है, सब हल्ला है, हल्ला झूठ को उठाता है, जब विपक्ष होता है सहयोग गलती बनाता है, सब थोड़ा कि वो अथी है, सबका अलग अलग अथी है। आपको लगता है कि दूसरी पार्टी में है? सब पार्टी में है, तो टीवी खोलते हैं तो खाली अथी मंदिर में पूजा करने से पेट थोड़ा भरेगा, कि काम के बाद कुछ होना चाहिए। काम का कोई बात नहीं होता है गरीब के, रोजगार तेजस्वी यादव ने दिए, 17 साल नीतीश जी ने रहे, कभी रोजगार का बात किए? 17 महीने में 5 लाख हमारा नेता ने रोजगार दिए, समझिए? पूरे जैसे पूरे बिहार में एक मतलब यादव नहीं, पूरे अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सबका मतलब मिला, नौकरी जो हुआ सबका मिला, किसी का एक का नहीं मिला। जो कह रहा है कि परिवारवाद, कोई परिवारवाद नहीं है, ये गरीबों अति पिछड़ों सारा मतलब सारे ए टू जेड का हमारा पार्टी है। जो हल्ला करती है बीजेपी का है इतना तमाशा बना रही है, हल्ला करती है, 3 रुपया में हाजीपुर आते थे, अब 30 रुपया में आते हैं हाजीपुर चाहे सिकंदर से। अच्छा, लालू जी के राज में 3 रुपया में एक युवा कर रहा है सब कोई कि परिवारवाद परिवारवाद, तो ये खाली बीजेपी लालू जी में ही है कि बीजेपी में भी है? सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो अगर नरेंद्र मोदी को परिवार नहीं है तब न परिवार का पता नहीं चलता है, परिवार का दर्द उनको होता है जिनके पास परिवार होता है। आपके पास परिवार है, आप तब न मीडिया चैनल चला रहे कि आपका परिवार का भरण पोषण हो सके, तो सब तो अपने परिवार है कि 140 करोड़ जो है जनता वो उनका है, उसके लिए जीते हैं, मीसा भारती के लिए नहीं जीते, तेजस्वी या तेज प्रताप के लिए नहीं जीते। तो क्या परिवारवाद की पार्टी क्या का है बीजेपी में नहीं है क्या? आज जो अमित शाह का बेटा है वो कैसे सेक्रेटरी बन गए हैं, वो परिवारवाद की पार्टी नहीं है, है? उनके साथ जो है जीतन राम मांझी है, क्या वो परिवारवाद की पार्टी नहीं है? परिवारवाद की पार्टी तो सबसे ज्यादा बीजेपी में ही है, है? अरे नेतृत्व करने वाला मोदी जी को नहीं है, वंश में कोई नहीं है तो क्या कहेंगे वो? ऐसे झूठा आरोप लगा के जनता को गुमराह करके सोच रही है कि जो कॉरपोरेट के हाथ धंधा चला के हम देश को खरीद ले और अंग्रेज का शासन यहाँ ला दे। कुछ दिनों में देखिए ना 2024, अगर ये जनता सोच समझ के अपना वोट नहीं दान करेंगे, ये जान लीजिए कि यह देश जो है फिर से जो 1947 से पहले थी वही देश की फिर से स्थिति आ जाएगी। देखिए 2024 जो है ना ये मुख्य लक्ष्य है, अगर इस पर जनता विचार नहीं करेंगे तो यह जो है लोकतंत्र खतरे में है। देखिए ये कहना गलत है, परिवार एक वारिस होता है, विरासत होता है, अब विरासत यदि परिवारवाद नहीं भी होगा तो अपने जो है आदमी ये इतना जो है औलाद क्यों पैदा करता है, बोलिए वारिस होना चाहिए हुए बस, ये तो हस्तांतरण करना था, ये तो प्रकृति का नियम वो चलते रहता है ना, वो बदलते रहता है। अरे आपका दादाजी थे फिर दादाजी छोड़ के गए विरासत, तो आपका दादाजी राजनीति में थे तो होता आया तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यदि उसको उस क्षमता का लाया गया
जिसको एक बेटी है वैसा विद्वान है तो क्या दिक्कत है उसमें। अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन राजनीति ये अगर फिल्म में आया तो कोई दिक्कत नहीं, और चीज में कोई सेक्टर में कोई दिक्कत है। एक मान लीजिए बड़ी के बेटा बड़ी बनता है तो दिक्कत है, एक किसान के बेटा किसान बनता है दिक्कत है, और राजनेता का बेटा राजनेता बनता है तो उसमें क्या चीज की दिक्कत यार, इसमें दिक्कत करने कोई बातें नहीं है। यदि वो कोशिश करे प्रयास करे, यदि एक मजदूर के बेटा यदि प्रयास करके वो यदि प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसमें भी कोई किसी को दिक्कत नहीं, हर्ज नहीं है।